हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। एक बार दोबारा से स्वागत है आपका क्लास नाइन्थ के एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैलोग्राम्स में। एरिया ऑफ पैलोग्राम्स का 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, ए ब्लेज इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मतलब एक ब्लेज इतवारी है और उसके पास एक प्लॉट है, किसकी शेप में? क्वाड्रिलेटरल की शेप में। द ग्राम पंचायत ऑफ ब्लेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेल्टर। मतलब क्या है कि ग्राम पंचायत ने डिसाइड किया कि उसमें से कुछ पोर्शन लेके और वो एक कंस्ट्रक्ट करना चाहती हैं हेल्थ सेंटर। इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ए लियो ऑफ हिज लैंड। जो इतवारी है वो क्या है कि एग्री हो जाता है उस प्रपोजल के लिए, पर वो एक कंडीशन लगा देता है विद द कंडीशन दैट कि उसको ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड। मतलब कि उसको इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए इन प्लेस ऑफ हिज लैंड, मतलब खुद के एरिया के प्लेस में उसे क्या है कि इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड चाहिए एडजॉइनिंग हिज प्लॉट, उसके प्लॉट के जस्ट साइड में, सो एज टू फॉर्म ए ट्रेंगुलर प्लॉट। और जो उसका क्वाड्रिलेटरल शेप में था उसका जो प्लॉट, वो अब ट्रेंगुलर फॉर्म में बन जाना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें क्वाड्रिलेटरल दे रखा था। तो माना कि हमें ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल, एक हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया ए बी सी डी। उसके बाद हमको कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ा, तो कंस्ट्रक्ट क्या है हमने कि इसको डायगनल मिला दिया। क्वाड्रिलेटरल का डायगनल है मेरा ए सी, इसके एक पैरेलल में एक लाइन हमने कंस्ट्रक्ट कर ली बी ई, हमने लाइन बी ई पैरेलल टू ए सी, और उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया किसको, ए ई को। हमको प्रूफ क्या करना है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ ई। मतलब कि उसने जो लैंड दिया है, वो लैंड दिया है इतवारी ने, वो दिया ए ओ बी की शेप में, ए ओ बी की शेप में उसने दे दिया उसके लिए हेल्थ सेंटर के लिए, और सी ओ ई की फॉर्म में वो अपना ले रहा है। इससे उसकी दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, एक तो इसका सेम एरिया उसको मिल रहा है, दूसरा उसके एडजॉइनिंग में, तीसरा उसके बाद जब बचा है वो एरिया, रिमेनिंग एरिया उसकी अब उसकी ट्रायंगल की फॉर्म में हो जाएगा। तो अब हमको प्रूव क्या करना है कि जो एरिया वो साइड से हम उसे दे रहे हैं वो एरिया उसके एरिया के बराबर है, तो उसका प्रपोजल हम मान सकता है वो कि भाई उसका एरिया अगर हो जाता है। तो हमको क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी ओ डी। अब देखो, हमने जब कंस्ट्रक्ट किया था तो हमने ए सी पैरेलल टू बी ई कर दिया था। अब इसमें अगर हम गौर से देखते हैं, इस वाले ए सी जो है हमारी लाइन, इसके बेस पर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ए ई सी। दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम बेस के ऊपर बने हुए हैं, और हमने एक पहले थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने हुए हों और बिटवीन सेम पैरेलल्स हों तो उनका एरिया इक्वल होता है, उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख देते हैं, ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी ई, बोथ ट्रायंगल्स लाई ऑन सेम बेस, सेम बेस, तो बेस कौन सा है हमारा ए सी, लाई ऑन सेम बेस ए सी एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, तो सेम पैरेलल्स कौन से है हमारी, सेम पैरेलल्स पैरेलल है हमारी ए सी एंड बी ई, जो कि हमने करी थी किससे, कंस्ट्रक्शन से। जब दोनों का हम सेम बेस पर लाई कर रहे हैं सेम पैरेलल्स में, तो इसका मतलब एरिया हम कह सकते हैं इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। अब क्या है कि हमको इसमें देखो साफ साफ दिख रहा है कि इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया, कुछ पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ए बी सी के अंदर और ए सी ई के अंदर, दोनों में हमारा जो ये पोर्शन है आ रहा है, इस वाले पोर्शन को मैं दोबारा से मार्क कर रहा हूँ अच्छे से जिसे तुम्हें दिख जाए, ये हमारा कॉमन है ये वाला पोर्शन, देखो इसको मैंने अलग मार्क किया, ये वाला पोर्शन हमारे दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो हम कह सकते हैं बाई सब्ट्रैक्टिंग, बाई सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी, अब हमने ए ओ सी का एरिया दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हम कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ए ओ सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
ACE माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। तो दोनों तरफ हमने AOC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ABC के अंदर से हमारा अगर AOC का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या बचा, एरिया ऑफ AOB। तो एरिया ऑफ AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, और इधर से अगर ACE के अंदर से हम अगर AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते तो हमारा एरिया क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल COE। तो देखो हमने यही प्रूव करना था कि जो AOB का एरिया है COE के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे ये कर दिया। इस तरह से वो इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने प्रपोजल को कि जब उसको सेम एरिया मिल गया और वो ट्रायंगल की फॉर्म में भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।